वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कैश आलम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं VBA में सीखेंगे सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा किसी भी वर्कबुक को कैसे ओपन किया जाता है, सेव किया जाता है और क्लोज़ किया जाता है, और कैसे उसमें पासवर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ एक्सेल। ठीक है, जैसे मैंने फाइल ओपन कर लिया है। इसके अलावा इसमें जाते हैं विजुअल बेसिक में। ठीक है, मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाके सब्जेक्ट लिखते हैं सब, कोई भी नाम दे देते हैं RR। ठीक है, अब जैसे ये वर्कबुक है। ठीक है, जब सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है, जब कोई भी वर्कबुक, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यदि मैं इसको सेव कर रहा हूँ करता हूँ एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव वर्क बुक्स डॉट सेव, देखे क्या आता है। दिस वर्कबुक यूज करते हैं, दिस वर्कबुक डॉट सेव। ठीक है, यदि मैं इसको सेव करता हूँ, देखिए क्या एरर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ पे ये फाइल सेव करना है। ठीक है, और किस नाम से। ठीक है, तो डिफरेंस ये होता है, जब भी कोई भी हमारा वर्कबुक होता है, यदि वो सेव नहीं है तो हम उसको कहीं सेव करेंगे। ठीक है, तो उसको हमें लोकेशन देना पड़ता है, इसलिए हमें उसको सेव एज कर सकते हैं। यदि हमारा कोई फाइल ऑलरेडी सेव है, जब उसको हम तब उसको हम सेव कर सकते हैं, कंट्रोल जैसे एस करते हैं तब। यदि उस वर्कबुक, यानी कि वो वर्कबुक सेव नहीं है, या उसको उस जो वर्कबुक सेव है किसी और लोकेशन पे सेव करना है, तब हम यूज़ करते हैं सेव एज का। ठीक है, तो जैसे अब मुझे कोई किसी भी वर्कबुक को ओपन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वर्क बुक्स डॉट ओपन। ठीक है, स्पेस देंगे, उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, फाइल नेम, फाइल नेम एज स्ट्रिंग में डालना है। तो जैसे मैं चलते हैं फाइल में, यहाँ पे जैसे ये मुझे फाइल इसको ओपन करना है। ठीक है, तो इसका पाथ कॉपी करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, उसके बाद टेस्ट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए टेस्ट है, वर्कबुक ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप VBA में देख सकते हो टेस्ट वर्कबुक ओपन हो गया। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे यानी कि हमने देखा ये जो फाइल है एक्सेल एसएक्स की है। ठीक है, तो उसके साथ ही हम उसका एक्सटेंशन भी दे सकते हैं XLSX। ठीक है, इससे ये होता है, जैसे हम दो फाइल है सेम नेम से सेव हो जाता है, क्योंकि हम जो उनका एक्सटेंशन है, कोई मैक्रोनेबल होता है, कोई दूसरा होता है। यदि हम उसमें दो डिफरेंट डिफरेंट तरह की फाइल्स है बट उसका नाम सेम है, तो उसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि VBA कौन सी फाइल को ओपन करना है, तो हम उसके साथ उसका एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे फाइल्स हैं, तो बट उसका एक्सटेंशन भी पता होना चाहिए, जिससे वो पर्टिकुलर उसी वर्कबुक को ही उसी चीज़ को ओपन करे। ठीक है, ये तो हो गया वर्कबुक ओपन करना। ठीक है, अब वर्कबुक को सेव कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको एज ए कमेंट कर देते हैं। आगे चलते हैं, अब ये है वर्कबुक, इसको सेव कैसे किया है।
जनरली हम दिस वर्कबुक डॉट सेव कर सकते हैं, दिस वर्क बुक डॉट सेव, ठीक है। ये हमें नहीं करना कि हमें सेव एज करना है, जैसे ये फाइल है ठीक है बुक वन, अब इसको मुझे सेव करना है तो एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, ठीक है सेव एज करेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, फाइल का पूरा पाथ डालेंगे। तो आप पाथ हमेशा कॉपी कीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने किया कॉपी, वहाँ पे डालिए देन, ठीक है पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद फाइल नेम, फाइल नेम जैसे टेस्ट टू डाल दिया मैंने, ठीक है डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है इसमें सेव करते हैं, रन किया, चेक कर लेते हैं, ये देखिए सेव हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कुछ एरर्स आ रहे हैं बार बार, यदि किसी तरह का डिस्प्ले अलर्ट्स आते हैं उसको आप चाहते हैं कि ये वो नहीं आए, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर दीजिए, इससे क्या होगा कोई भी अलर्ट से वो आपके पास नहीं आएगा। अभी जैसे मैंने इसको नाम चेंज कर देते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। तो देखिए विदाउट ऐसा कोई अलर्ट्स के बिना वो सेव हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सेल एस एम जो मैक्रो एनेबल का एक्सटेंशन होता है एक्सेल एस एम, ठीक है इसको रन करते, ठीक है। तो ये रन नहीं हो रहा है क्योंकि जो 2007 के बाद जो एक फाइल्स है काफ़ी, माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी फाइल्स क्रिएट कर दी है, जो उसकी वजह से अब यहाँ पे हम डायरेक्टली उसका एक्सेल एस एम का इसका दे सकते हो एक्सेल एस एक्स का, बट उसका एक्सेल एस एम का नहीं देख सकते। उसके लिए आपको यदि आप देना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ये डबल कोर्स के अंदर क्लोज करने के बाद फाइल फॉर्मेट इसमें डालोगे, ठीक है। इसका जो फाइल फॉर्मेट है डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। जो मैक्रो अनेबल का होता है इसका होता है, इसका एक कोड भी होता है मैक्रो अनेबल का, ठीक है उसका जो आप डाल सकते हो 52, आप डाल दीजिए ओनली 52, ठीक है। देन इसको रन करके देखते हैं ये वर्क करता है नहीं करता है, ठीक है ठीक है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये रन कर रहा है, ठीक है ये मैक्रो अनेबल में हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और भी एक्सटेंशन है, जैसे एक्सेलस एक्स में डालना चाहते हो तो उसका 51 है, ठीक है इसका चेंज कर देते हैं, ये 2 ऑलरेडी सेव है 6 कर देते हैं, ठीक है ठीक है। तो अब इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं 62 वाले का, देखिए वर्कबुक, ठीक है। और इसके अलावा जो बाइंड्री में सेव करना चाहते हैं आप उसको, ठीक है तो इसके लिए 50 डाल दीजिए आप, डालते हैं रन करते हैं, ठीक है। ये कोड के जरिए भी कर सकते हो, ठीक है क्योंकि इसका एक जो, और इसके अलावा जो कोड यदि आप नहीं लिखना चाहते हो तो इसका दूसरा होता है मैक्रो वाले का एक्स एल कंट्रोल स्पेस दाबिए, उसके बाद लिखिए एक्स एल ओपन एक्स एम एल, ठीक है मैक्रो अनेबल वर्कबुक मैक्रो अनेबल, ठीक है ये वाला ये सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है इसका मैं चेंज कर देता हूँ 20 डाल देते हैं फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए मैक्रो अनेबल में ये बाइंड्री में सेव हो गया था, ये मैक्रो अनेबल में, ठीक है। तो जो
जो कोड के जरिए भी आप सेव कर सकते हो। यदि आप ये आप कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कोड्स लगता है तो जो मैंने कोड बताया 51 जो होता है एक्सेल एस एक्स के लिए होता है, 52 होता है जो मैक्रोनेबल जो होता है एक्सेल एस एम के लिए, और जो 50 होता है 50 वो बाइनरी के लिए होता है एक्सेल एस एस बी, ठीक है। और जो 56 कोड जो होता है वो 97-2003 फॉर्मेट के लिए एक्सेल एस, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप फाइल सेव कर सकते हो कोई भी किसी भी फॉर्मेट में डाल के। और जो नेक्स्ट जो आता है हम करते हैं आगे चढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा फाइल सेव करने का, ठीक है, फाइल फॉर्मेट। देन उसके बाद पासवर्ड आता है, ठीक है। जैसे हमने पहले इसका फाइल नेम चेंज कर दिया, 30 डाल देते हैं, चलो 0 3 कर देते हैं। और जो पासवर्ड आता है, ठीक है, इस पर हम पासवर्ड डाल देते हैं 123, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने 30 फाइल क्रिएट किया है, इसमें पासवर्ड लग चुका है, ठीक है। अब इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। ओपन, यदि ओपन जब करते हैं तो इसमें ये पासवर्ड मांगेगा, तो हमें पासवर्ड के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे हमें जाना है, इसमें पहले इसका वो चेंज कर देते हैं, डॉट टेस्ट 30 आई थिंक, 30 वाला मैक्रोनेबल पासवर्ड प्रोटेक्टर किया था ना, 30, ठीक है, 30 डॉट एक्स एल एस एम, ठीक है। ये हो गया, कोमा डालिए, अपडेट लिंक ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, फाइल फॉर्मेट कोमा डालते जाइए, पैरामीटर से इसके ऑटोमेटिकली हाइलाइट्स होते जाएंगे। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमें स्किप करना है, ठीक है। पासवर्ड पे आते हैं, इसको डालते हैं 123, ठीक है, एंटर। अब ये हमें वर्कबुक देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वर्कबुक जो है 3G वाला ओपन हो गया है, ठीक है। तो आप पासवर्ड भी इसका यूज़ कर सकते हो, यदि आप किसी फाइल में पासवर्ड है, आप चाहते हो किसी यानी कि जब वो फाइल ओपन हो तो पासवर्ड के साथ यानी कि उसमें पासवर्ड एंटर करा सकते हो, ठीक है, बिना किसी, यदि आप विदाउट पासवर्ड के ओपन करोगे तो देखिए इसमें क्या एरर आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पासवर्ड मांगेगा आपसे फिर, ठीक है, वो आई थिंक वो फाइल ही क्लोज हो गया, ठीक है। दोबारा ओपन कर लेते हैं नया, ठीक है, डेवलप टैब में जाते हैं, विजुअल बेसिक में इंसर्ट मॉड्यूल सब, ठीक है। तो हम उस फाइल को ओपन करने जाते हैं, वर्कबुक डॉट ओपन, ठीक है, ठीक है, स्पेस दिया हमने, फाइल का पार्ट डाल देते हैं, टेस्ट 30 डॉट एक्स एल एस एम, ठीक है। जब भी आप ये किसी भी वर्कबुक को ओपन करते हैं उसका एक्सटेंशन जरूर साथ में डालें। देखिए मैंने ओपन किया, अब ये पासवर्ड मांग रहे, ठीक है, पासवर्ड नहीं डाला, मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब यदि आप पासवर्ड डालना चाहते हो तो कोमा डालते जाइए, अपडेट लिंक्स फॉल्स स्किप करते जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए पासवर्ड पे 123, हमने 123 पासवर्ड डाला था, और रन कर दीजिए, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये वाला जो वर्कबुक है 3G वाला ये ओपन हो गया, ठीक है। अब जैसे ये वर्कबुक मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, जैसे रेंज में वैल्यू डाल दी, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 30, ठीक है। और देन उसके बाद अगर यदि मैं क्लोज करता हूँ एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब ये मुझसे ऑप्शन मांग रहा है, सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो इसको VBA में कैसे किया जाए, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली
यहाँ पे हम कोड कर रहे थे, कोड डिलीट हो गया आई थिंक, ये रहा। ठीक है, तो इसके सामने आप ये लिख दीजिए, ट्रू करना सेव करना चाहते हो या नहीं तो ट्रू कीजिए या फॉल्स फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल अब रन करते हैं। ठीक है, इसको पहले क्लोज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं F8 से। ठीक है, वर्कबुक ओपन हो गया, वेल्व एंटर हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्कबुक दोबारा मैं करा कर चेक कराता हूँ आपको, F8 करते हैं। देखिए इसमें वैल्यू एंटर नहीं हुआ था, यदि मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, देन क्या होगा, फंक्शन F8। ठीक है, अब इसको दोबारा ओपन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये सेव हो गया था उस समय। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, यदि आप किसी भी फाइल को जब कि उस पर कुछ काम हो जाए तो जब उसको क्लोज करते हो तो ट्रू और फॉल्स डालिए, जिससे ये होगा कि यदि आप उस फाइल को सेव कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज तो आज हमने सीखा फाइल को कैसे इसे एक्टिवेट किया, यानी कि वर्कबुक को कैसे ओपन किया जाता है, सेव किया जाता है और कैसे क्लोज किया जाता है, और इसके अलावा सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो या कुछ भी मिसिंग हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।